पीरे कामिल एक ऐसा नॉवल है जिसमें कंट्रोवर्सी भर भर के डाली गई है और इस वजह से इस पर ड्रामा बनना तकरीबन नामुमकिन है। फिर जो एक इमेजिनेशन है, जो एक इमेजिनरी करेक्टर्स हैं उमामा और सालार सिकंदर का, इनको पर्दे पर उतारना या किसी के लिए भी इन पर एक्ट आउट करना, इनके करेक्टर में घुसना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैंने काफ़ी ज़्यादा उन लोगों से डिस्कस की जो कि इस नॉवल को पढ़ चुके हैं और उनसे पूछा कि इमामा और सालार के करेक्टर के लिए कौन से एक्टर बेहतर रहेंगे, तो मुझे जो दो नाम देखने को मिले और उनके करेक्टर को अच्छे से एनालाइज करने के बाद, वो ये कि अगर उमामा का करेक्टर हानिया आमिर अदा करती हैं और जो सालार का करेक्टर है वो तलहा चहूर अदा करते हैं, तो इनकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो करेक्टर्स के साथ काफ़ी मैच करती है। तलहा का करेक्टर ऐसा है कि सीरियस रोल को भी अच्छे से कर सकता है, जो हमें उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई जाएगी उसके विटीनेस के बाद की, और जो हानिया का करेक्टर है वो भी काफी नजदीक है उमामा के करेक्टर के। तो अगर उमैर अहमद के लिखे हुए पीरे कामल पर कभी ड्रामा बनता है और ये हम टीवी पर आता है, तो हम टीवी की जितनी भी, मतलब एक बुरा दौर उनका चल रहा है, जितनी भी उनकी नहुसत चल रही है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो फॉर श्योर होनी है और इसके बदले इन्हें व्यूज़ मिल जाएंगे। लेकिन बस ये डर है कि कभी ड्रामा बना तो बैन ना हो, इसे खुले दिल से हम एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये हमारे मुआशरे की रियलिटी होने वाली है। लेकिन जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिनको मैं मुस्लिम काउंट भी नहीं करता, मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा, वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होंगे और वो इसके लिए काफ़ी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन चूंकि मतलब उनका अकीदा ही इतना बुरा है, तो इसलिए वो दब के रह जाएगी आवाज, और ये माशरे में जो ओरिजिनल अक्कासी करनी चाहिए माशरे की, वो ये करेगा जो फिरका इश्क कर रहा है, वैसी हमें चाहिए भी नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, पीरे कामल पर ड्रामा बनना चाहिए या नहीं, और इसमें उमामा और सालार सिकंदर के करेक्टर के लिए क्या हानिया आमिर और तलहा चौहान सही रहेंगे? मुझे आपका ये फीडबैक हर हाल में चाहिए कि उमामा और जो सिकंदर का करेक्टर है इनके लिए कौन से एक्टर्स बेहतर रहेंगे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।